संगठन ने ओवरलोड के विरोध में आपको ज्ञापन दिया, इसमें आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? आम आवाज संगठन ने कहा है कि ओवरलोड के विरोध में बहेड़ी रोड पर काफ़ी ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं। अभी हमने ज्वाइंट चेकिंग भी करवाई थी, पीलीभीत बदायूं शाहजहांपुर के भी अधिकारी बुलाए थे, काफ़ी गाड़ियां बंद हुई हैं और हम लोग भविष्य में भी ये प्रयास करते रहेंगे। इधर शासन ने कंपाउंडिंग की काफ़ी दरें बढ़ा दी हैं। मेरा ख्याल है कि अगर गाड़ियां बंद होंगी, चालान होगी और इन दरों से उन पर अगर जुर्माना आरोपित करके वसूला जाएगा तो इनका संचालन अपने आप कम होगा और ये हतोत्साहित होंगे और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रिकॉर्डिंग भी की है रातों में जाकर ओवरलोड गाड़ियों की, इन्होंने रिकॉर्डिंग भी की है, इन्होंने हमें दिखाई है रिकॉर्डिंग। इनका कहना है कि रोड ओवरलोड गाड़ियों से टूट रहा है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कितने तरीके से गड्ढे हो गए हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। इन लोगों का विरोध है कि ओवरलोड गाड़ियां निकलती हैं जिसमें 150 टन गाड़ियां माल लाती हैं, उसमें 600 टन गाड़ियां माल लेकर आ रही हैं। इसी विरोध में रोड टूट रहे हैं। सरकार जब मना कर रही है ओवरलोड बंद करने के लिए तो ओवरलोड क्यों चल रहा है? इसमें इनका कहना है कि इसमें खनन की भी चोरी कर रहे हैं गाड़ी मालिक, खनन की भी रॉयल्टी मार रहे हैं। इसमें सरकार का नुकसान हो रहा है, सरकार का नुकसान हो रहा है। और दोस्तों मैं ऑलराइट न्यूज़ से आशू देव मौजूद हैं। हम आरटीओ ऑफिस में आपको दिखाना चाहते हैं ओवरलोड के विरोध में जो आम आवाज़ संगठन ने भीड़ उठाया है। आज फिर आरटीओ ऑफिस पहुंचा है और आरटीओ साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने यह कहा है कि 29 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, उसमें कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। इन्होंने ये आज आरटीओ साहब से बात की है और आपको हम इन लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। जी काशिफ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है, आम आवाज़ संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम आरटीओ साहब से मिले हैं ओवरलोडिंग के खिलाफ। हमने 29 तारीख को एक ज्ञापन दिया था ओवरलोडिंग बंद हो चाहिए जिले के अंदर, अभी उस पर ओवरलोडिंग चल रही है, उससे हमने शिकायत करी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरटीओ साहब से हम दोबारा मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है तुरंत तत्काल और बहुत तेज़ी से कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि इसे तत्काल बंद करा जाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश है ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद ओवरलोडिंग हो रही है और जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे संगठन आवाज काम करता है। अगर ये बंद नहीं हुआ 5 दिन के अंदर तो यहाँ पर बरेली जिले के अंदर जन आंदोलन होगा और सरकार हमारे साथ है और हम ये चाहते हैं कि जल्द इससे कार्रवाई हो, तुरंत इसको बंद करा जाए। जय हिंद जय भारत। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं आशू खान, जो समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आम आवाज़ संगठन में भी पदाधिकारी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, हम इनके भी बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आज हम आम आवाज़ की जानिब से आरटीओ साहब से मिले ओवरलोड के खिलाफ, जो हमारे पूरे प्रदेश की सड़कों का हल देख लिए, उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं, ओवरलोड हम तत्काल चाहते हैं कि बंद हो। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मैं ऑलराइट न्यूज़ से आशू देव मौजूद हैं। हम आरटीओ ऑफिस में आपको दिखाना चाहते हैं ओवरलोड के विरोध में जो आम आवाज़ संगठन ने भीड़ उठाया है। आज फिर आरटीओ ऑफिस पहुंचा है और आरटीओ साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में इन्होंने यह कहा है कि 29 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था, उसमें कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। इन्होंने ये आज आरटीओ साहब से बात की है और आपको हम इन लोगों से बात करते हैं, आपको दिखाते हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। जी काशिफ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ खान है, आम आवाज़ संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज हम आरटीओ साहब से मिले हैं ओवरलोडिंग के खिलाफ। हमने 29 तारीख को एक ज्ञापन दिया था ओवरलोडिंग बंद हो चाहिए जिले के अंदर, अभी उस पर ओवरलोडिंग चल रही है, उससे हमने शिकायत करी, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरटीओ साहब से हम दोबारा मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो है तुरंत तत्काल और बहुत तेज़ी से कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि इसे तत्काल बंद करा जाए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद ओवरलोडिंग हो रही है और जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे संगठन आवाज काम करता है। अगर ये बंद नहीं हुआ 5 दिन के अंदर तो यहाँ पर बरेली जिले के अंदर जन आंदोलन होगा और सरकार हमारे साथ है और हम ये चाहते हैं कि जल्द इससे कार्रवाई हो, तुरंत इसको बंद करा जाए। जय हिंद जय भारत। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं आशू खान, जो समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं और आम आवाज़ संगठन में भी पदाधिकारी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, हम इनके भी बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आज हम आम आवाज़ की जानिब से आरटीओ साहब से मिले ओवरलोड के खिलाफ़,
जो हमारे पूरे प्रदेश की सड़कों का हल देख लिए, उसके एक्सीडेंट हो रहे हैं, ओवरलोड हम तत्काल चाहते हैं कि बंद हो। जय हिंद, जय भारत।